फ्रेंड्स, वैसे तो एक्सेल के अंदर बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट इसको और भी इम्प्रूव करने के लिए टाइम टू टाइम नए नए फीचर्स लॉन्च करता रहता है। कई बार फ्रेंड्स वो फीचर्स हमें पता चल जाते हैं, बट कई बार वो फीचर्स हमसे स्किप हो जाते हैं। बहुत काम के होते हैं बट हमें पता नहीं चलते कि वो फीचर्स कौन से हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं शेयर करूंगा आपके साथ एक्सेल के 4 नए फीचर्स जो आपके बहुत काम के हो सकते हैं, आपके काम को आसान बना सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएम जैन। फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा 4 एक्सेल के नए फीचर्स जो एक्सेल में अवेलेबल है, हमारे काफी काम के हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स स्क्रीन आप लोगों के सामने है, 4 नए फीचर एक्सेल के शेयर करूंगा। पहला फीचर है फ्रेंड्स सर्च ऑप्शन। राइट, सर्च ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? सपोज फ्रेंड्स मैं अपने डेटा पे कुछ काम करना चाहता हूं, राइट? मेरे पास एक डेटा है और मेरे को यहां पर फ्रेंड्स इसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, राइट? बट फ्रेंड्स डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए ऑप्शन कहां अवेलेबल है वो यहां पर सर्च करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे नहीं पता कि वो ऑप्शन अवेलेबल कहां है, बट मुझे उसका नाम पता है, मुझे कुछ काम करना है वो मुझे पता है, मुझे डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करूंगा, राइट? नॉर्मली डेटा के अंदर मेरे पास रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है, लेकिन मुझे नहीं पता तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, सिंपली डेटा को सिलेक्ट करना है, डेटा के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और जो भी आप काम करना चाहते हैं ये सर्च दी मेन्यूज, राइट? अपने मेन्यू के अंदर जो भी आपको सर्च करना है फ्रेंड्स यहां लिखना शुरू कर दीजिए, ये आपको ऑप्शन दिखाने शुरू कर देगा। जैसे मैंने लिखा राइट रिमूव REM करके, जैसे ही फ्रेंड्स मैंने लिखा रिमूव डुप्लीकेट्स करके इसने मेरे को ऑप्शन दिखा दिया। अगर इस नाम से मल्टीपल होंगे तो आपको वो मल्टीपल दिखाने शुरू कर देगा, राइट? मैंने बोला रिमूव डुप्लीकेट्स एंड फ्रेंड्स जो भी ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं सेलेक्ट किया एंड देन ओके एंड देन फ्रेंड्स इसने सारे रिमूव डुप्लीकेट कर दिए, राइट? सारे डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए, राइट फ्रेंड्स? तो इसको आप यूज कीजिएगा। एक और एग्जांपल के साथ करते हैं फ्रेंड्स। सपोज मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करनी है सेल्स में, राइट? मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करनी है। सेम वे राइट क्लिक सर्च दी मेन्यू, क्या करना है कंडीशनल फॉर्मेट, राइट? तो जैसे फ्रेंड्स मैंने लिखना शुरू किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से फ्रेंड्स इसने मेरे को दिखा दिया जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इसके अंदर जो भी जिस तरह से मैं इसको यूज करना चाहूं यूज कर सकता हूं, राइट फ्रेंड्स? डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं इसको यूज करने के। जो ऑप्शन आपको यूज करना है सिंपली अपने डेटा पे आपको राइट क्लिक करना है और सर्च दी आइटम में फ्रेंड्स आपको उसको सर्च कर लेना है, इजीली आपको वो फंक्शन मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन फ्रेंड्स जिसकी हम बात करेंगे वो है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन क्या है फ्रेंड्स? सपोज फ्रेंड्स एक ऐसी एक्सेल फाइल पे मैं काम कर रहा हूं जिसके अंदर बहुत सारी शीट्स हैं, जैसे इसके अंदर आप देखेंगे मेरे पास काफी सारी शीट्स अवेलेबल है, राइट? बहुत सारी मेरे पास इसके अंदर शीट्स है। मेरे को कई बार पता नहीं चल पाता है कौन सी शीट है, मुझे कहां पर जाना है, किस शीट में क्या है, राइट? मुझे वो नेविगेशन पेन हेल्प करेगा अपनी डिफरेंट डिफरेंट शीट्स में ये पता लगाने में वहां पर किस तरह का डेटा है और मैं वहां पर इजीली मूव कर सकता हूं। व्यू के अंदर फ्रेंड सिंपली मुझे जाना है और व्यू के अंदर अपने पास एक ऑप्शन होगा नेविगेशन पेन, राइट? नेविगेशन पेन, इस नेविगेशन पेन पे फ्रेंड जैसे ही आप क्लिक करते हैं राइट हैंड साइड पर आपको ये सारी शीट्स के नाम दिखा देता है। नो मोर जो मेरी पहली शीट है, देन टॉपिक, देन सर्च ऑप्शन, राइट? मैं सर्च ऑप्शन के ऊपर वो भी, देन समिफेस, तो अलग अलग जो भी शीट्स अवेलेबल है फ्रेंड्स ये मेरे को सारी शीट्स दिखा देता है। एंड मजे की बात फ्रेंड्स ये है कि जब आप उस शीट के इस एरो पे क्लिक करते हैं तो आपको उसके अंदर डेटा क्या अवेलेबल है, आपको इस पर्टिकुलर डेटा पे जाना है, यहां यहां डेटा अवेलेबल है, इसने ये भी दिखा दिया क्या वहां पर मैंने काम किया हुआ है, वो भी मोटा मोटा आपको आइडिया दे देगा। मैंने यहां पर क्लिक किया फ्रेंड्स ये आपको उस डेटा पर ले गया, मुझे इस डेटा पे जाना है ये आपको उस डेटा पे ले गया, मुझे इस वाले डेटा पे जाना है ये उस डेटा पे ले गया। तो फ्रेंड्स सिंपली मैं नेविगेशन पेन को यूज करके पर्टिकुलरली एवरेज इफ वाली मेरी जो शीट है उसमें मेरे को F2 से J4 में जो मेरा डेटा है मेरे को वहां पर मूव करना है, ये मेरे को एवरेज इफ S वाली में उस पर्टिकुलर जगह पर ले जाएगा। तो नेविगेट करना, मूव करना डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डेटा पे राइट आसान हो जाता है, राइट? तो बहुत सारी शीट्स है फ्रेंड्स, प्लीज नेविगेशन पेन का जरूर यूज कीजिएगा। व्यू के अंदर ऑप्शन मिलेगा मुझे नेविगेशन का। थर्ड ऑप्शन आता है फ्रेंड्स पेस्ट वैल्यू। पेस्ट वैल्यू ऑल दो हम लोग यूज करते हैं, कैसे करते हैं फ्रेंड्स? सपोज मेरा यहां पर कुछ फॉर्मूला लगा हुआ है, राइट? आप देखेंगे यहां पर मेरे कुछ फॉर्मूले लगे हुए हैं, मेरे को क्या करना है इन वैल्यूज को कॉपी करके यहां पर पेस्ट करना है। नॉर्मली फ्रेंड्स मैं क्या करता था, होम के अंदर जाता था, होम के अंदर पेस्ट के अंदर मुझे यहां पर ऑप्शन मिलता था पेस्ट वैल्यू, राइट? अलग अलग ऑप्शन मेरे को यहां नजर आते थे जिसके अंदर एक ऑप्शन होता था मेरे पास पेस्ट वैल्यू, राइट? तो मैं यहां से फ्रेंड्स पेस्ट वैल्यू यूज कर सकता हूं, राइट? ये वाला पेस्ट वैल्यूज का ऑप्शन है, मैंने क्लिक किया और ये पेस्ट वैल्यू हो गया, राइट? एक तरीका तो फ्रेंड्स ये है,
आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कॉपी किया राइट, कॉपी करके आपको सिंपल शॉर्टकट की क्या यूज करनी है, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल वी करेंगे तो फॉर्मूले के साथ नॉर्मल पेस्ट होता है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो फ्रेंड्स पेस्ट वैल्यू हो जाता है राइट, कंट्रोल शिफ्ट वी। एंड फ्रेंड्स आज के लास्ट चौथे फीचर के बारे में बात करेंगे, वैल्यू प्रीव्यू टूल टिप, टूल टिप, वैल्यू प्रीव्यू टूल टिप क्या है फ्रेंड्स समझ लेते हैं एक बार। सपोज फ्रेंड्स आपने कोई फॉर्मूला लगाया, कोई भी फॉर्मूला आपने लगाया, आप उस फॉर्मूले को डीबग करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं उस फॉर्मूले के अंदर एरर कहां पर आ रहा है। आप एक फॉर्मूले को जब लगाते हैं, जैसे फ्रेंड्स यहां पर मैंने फॉर्मूला लगाया इफ जिसके अंदर और भी यूज किया राइट, या यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लगाया जिसके अंदर मैंने इफ लगाया, दोबारा इफ लगाया और उसके अंदर एंड भी यूज किया, मतलब मल्टीपल इफ नेस्टेड इफ है और उसके अंदर एंड और भी यूज किया है मैंने। अब फ्रेंड्स मेरे यहां पर इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को पता नहीं चल पा रहा है, रिजल्ट ठीक से नहीं आ पा रहा है, मुझे ये देखना है कि फ्रेंड्स मेरा जो ये गुड आ रहा है सपोज ये कौन सा ऐसा आइटम है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक मैंने यूज किए हैं, कौन सा ऐसा लॉजिक है जो गुड आंसर दे रहा है राइट। तो फ्रेंड्स मैं सिंपली इसके ऊपर गया, लॉजिकल टेस्ट जो मेरा फॉर्मूला नीचे दिखाएगा, मैंने इस पर क्लिक किया और जैसे फ्रेंड्स मैं क्लिक करता हूं आपको ये दिखा देगा इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू फॉल्स आ रही है, फॉल्स आ रही है, ये काम नहीं कर रहा है इसका मतलब राइट। तो ट्रू वाला कोई फंक्शन होगा वो मेरे को यहां पर इफ में रिजल्ट देगा, जिनको इफ का आइडिया है वो इसको रिलेट कर पाएंगे राइट। यहां पर फ्रेंड्स मैंने देखा, मैंने देखा जी लॉजिक वन यहां पर ट्रू आ रहा है, ये वैल्यू ट्रू है, यानी इसके बेसिस पे मेरा रिजल्ट आ रहा है, जो भी मेरा ये गुड रिजल्ट आ रहा है वो किसके बेसिस पे आ रहा है, इस वाले लॉजिक के बेसिस पे आ रहा है राइट, ट्रू। और इसमें अगर फ्रेंड्स आप आगे बढ़ेंगे, वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या आएगा, गुड, वैल्यू इफ ट्रू गुड, यानी ये C3 जो है वो मेरे को गुड बोल रहा है राइट फ्रेंड्स। तो ये C3 मेरे को गुड बोल रहा है। तो फ्रेंड्स किसी भी आइटम पे जब आप क्लिक करेंगे उसके नीचे उसका फॉर्मूला दिखेगा, उस फॉर्मूले पे जब आप क्लिक करेंगे राइट तो वो आपको दिखाएगा वो गुड है या कौन सा फॉर्मूला आपका ट्रू है, किसके थ्रू कौन सी वैल्यूज आ रही है राइट फ्रेंड्स, वो आपको दिखा देगा एग्जैक्टली कि आपके कौन सा पैरामीटर क्या रिजल्ट दे रहा है राइट। तो फॉर्मूले में अगर कुछ एरर आ रहा है उसको ढूंढना, उसको डीबग करना काफी आसान हो जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स चारों फीचर्स आपके काफी काम के होंगे, प्लीज इनको ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो में नीचे एक लाइक का बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। एंड फ्रेंड्स मेरे साथ एक्सेल पे फ्री मेगा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन जरूर कराइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम।